लास्ट हम लोग, मुझे लगता है ये हमारा तीसरा लेक्चर रहेगा अभी। हम लोग 80 नंबर का जो हिंदी लैंग्वेज का फर्स्ट लैंग्वेज का जो पेपर आने वाला है, उसमें ज्यादा से ज्यादा अंक आपको किस तरह से मिलेंगे, इसके लिए हमारा ये पूरे सेशन चल रहे हैं। मुझे लगता है फर्स्ट विभाग हम लोगों ने देखा है गद्य विभाग, जो कि 27 नंबर का आने वाला है। उसके बाद विभाग दो है जो 12 नंबर का है, पद्य विभाग का, ये भी हम लोगों ने देखा है। विभाग तीन पूरक पठन का भी हम लोगों ने देखा है, 8 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है। तो अभी हम विभाग चार पर पहुंच रहे हैं, भाषा अध्ययन ग्रामर सेशन का, जो 14 नंबर का है। तो 14 नंबर के ग्रामर सेशन में आज हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से नंबर मिले और आपका स्कोर अच्छे से बढ़ जाए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये स्क्रीन देखते हैं कि हिंदी के इसमें जो 25% जो हमारा सिलेबस कैंसिल होने वाला है। बहुत सारे बच्चे बीच बीच में ज्वाइन हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि कौन सा पोर्शन कैंसिल है कौन सा नहीं। इसलिए मैं हर समय अपना थोड़ा सा 2 मिनट में स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये अपने पार्ट नहीं आने वाले हैं। डिनर नाम का है पहली इकाई में से, दूसरा है हिम, और उसके बाद 8 नंबर की पोयम है प्रण। ये तीनों पार्ट पहली इकाई के कैंसिल हो गए हैं। इसके ऊपर जो भी भाषा अध्ययन है या ग्रामर सेशन है, वही आपको करना है, इसकी कृतियां करनी नहीं है। दूसरी इकाई में अगर देखेंगे तो संध्या सुंदरी नाम की पोयम है, वो कैंसिल हो गई है। अत्यंत कुमार जिज्ञासा और टॉलस्टॉय के घर के दर्शन, ये तीन पार्ट है, यानी कि कुल मिलकर 6 पार्ट आपके 80 नंबर के पेपर में जो बोर्ड का आने वाला है, उसमें इसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे। खाली ग्रामर सेशन और भाषा अध्ययन आपको देखना है। अगर देखेंगे तो विभाग चार जो 14 नंबर का आने वाला है, उसमें से आपको 14 के 14 नंबर मिलने ही चाहिए। मोस्ट ऑफ आपको अगर देखा जाएगा तो 9th और 10th का ग्रामर सेशन है, यानी कि आप लोगों का इस साल अगर अच्छे से नहीं होगा ऐसे आपको लगता है, फिर भी 9th में ये अच्छे से हो गया है। ग्रामर में कुछ भी चेंजेस है ही नहीं 10th के पोर्शन में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 14 नंबर के इसमें सबसे पहला आपको अगर क्वेश्चन दिखाई देगा तो सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, यह प्रश्न रहेगा। उसमें से 1 नंबर के लिए ये प्रश्न आने वाला है कि निम्नलिखित में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आप लोगों ने कल देखा है, कल आपको सर ने पढ़ाया गया है अव्यय के बारे में। तो आपको ये 1 नंबर के लिए प्रश्न आने वाला है। अव्यय के लिए आपको शब्द दिए जाएंगे, खाली आपको एक एक सेंटेंस बनाना है। तो अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है तो 2 आपको दिए जाएंगे, 2 में से एक बनाना है। मुझे लगता है दोनों के दोनों करेंगे तो भी आपका ज्यादा समय जाएगा नहीं। तो आप यहाँ पर अव्यय का ये एकदम आसान है, खाली एक सेंटेंस बनाना है, आप आसानी से बना सकते हो। ये क्वेश्चन बना, क्वेश्चन का जो और बहुत, ये 2 शब्द दिए हैं, इनके एक एक सेंटेंस बनाना है। दूसरा प्रश्न इसी टाइप से आ जाएगा 80 नंबर के पेपर में, कृति पूर्ण कीजिए। उसमें से अगर आपको संधि विच्छेदन के लिए एक ही मोस्ट ऑफ दिया जाता है, इसके लिए ऑप्शन नहीं दिया जाता है, कभी कभी ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन 1 नंबर का प्रश्न है। आपको जैसे कि वैसे यहाँ पर शब्द लिखने हैं, संधि विच्छेदन लिखना है और संधि का भेद, ऐसे ही आपको टेबल बनाकर उसका आंसर करना रहेगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न आ जाएगा आपको, निम्नलिखित सामासिक शब्द का विग्रह करके समास का प्रकार लिखे, यानी कि आपको जो समास दिए हैं 4-5 प्रकार है, समास के प्रकार के लिए आपको शब्द दिया जाएगा, उसका विग्रह करने के लिए बताया जाएगा और प्रकार बताया जाएगा। कभी कभी समास का विग्रह ऑलरेडी दिया जाता है, आपको खाली शब्द बताना रहता है और समास का प्रकार आपको लिख देना रहता है, तब आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित अलंकार पहचान कर उसका वाक्य में प्रयोग करना, यानी कि उपप्रकार लिख देना है, अलंकार का नाम लिख देना है और उसके उपप्रकार का नाम लिख देना है। ये 4th नंबर पर प्रश्न आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के लिए आने वाले हैं। उसके बाद अगर देखा जाएगा तो 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें से भी 1 नंबर के लिए प्रश्न आ जाएगा आपको, यानी कि इस प्रकार से 2 मुहावरे दिए जाएंगे, 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। खाली अर्थ लिखेंगे तो आधा नंबर मिल जाएगा और वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जरूर 1 नंबर मिल जाएगा पूरा, आधा आधा करके। यानी कि आप खाली इतना ही छोड़ना नहीं कि अर्थ लिखने नहीं आता है तो वाक्य नहीं लिखूंगा और अर्थ आता है तो वाक्य नहीं बनाने आता है, इस टाइप से नहीं करना है। आपको अर्थ अगर नहीं आ जाता है तो कम से कम सेंटेंस तो बनाओ, लेकिन अर्थ आने के लिए ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। आप अर्थ के साथ ही वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ही आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद 6ठा प्रश्न आ जाएगा, निम्नलिखित वाक्य में से उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह आप पंक्चुएशन मार्क देना बहुत पहले से सीख गए हो, हिंदी मराठी इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में यही क्वेश्चन है। खाली लैंग्वेज अलग है तो आपको डरने की जरा भी बात नहीं है, रूल सेम है। वहां पर भी एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं, यहाँ विस्मय बुद्धि चिन्ह बोला जाता है, मराठी में उद्गारवाची चिन्ह बोला जाता है। खाली अलग अलग चिन्हों के नाम दिए हैं, लेकिन उसको लगाने का तरीका वही है। इसलिए आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल ही जैसे के वैसे सेंटेंस लिख देना है और यहाँ पर कहाँ पर
पूर्ण विराम लगता है, कहाँ पर डंडा लग जाता है, ये देखकर आपको उसको लगाओगे। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर लग जाता है वो सब आप विराम चिन्ह, कम से कम दो विराम चिन्ह आ जाते हैं एक नंबर के लिए, ज्यादा विराम चिन्ह मोस्ट ऑफ नहीं रहते हैं, लेकिन दो से तीन विराम चिन्ह ही इसमें लगाने के लिए आ जाता है। सातवां क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित वाक्य में से कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। कारक के जो प्रकार है उसमें से एक प्रकार का वाक्य दिया जाएगा, वो वाक्य का प्रकार आपको पहचानना रहेगा, वाक्य फिर से आप लिखोगे और उसका उत्तर करोगे। उसके बाद आठवां प्रश्न आने वाला है, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए, यानी कि शुद्ध करना है। सुलेख लेखन में जैसे हम लोग साफ सुथरा लिखते हैं बिना गलती के, बड़ी मात्रा छोटी मात्रा एक, ये सब देख कर आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा। ये तीनों लैंग्वेज में है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार आपका रिपीट हो चुका है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी की किताब रैपिड रीडिंग करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ सेंटेंस किताब से ही आ जाते हैं और आसान रहते हैं, मोस्ट ऑफ दो ही मिस्टेक रहती है, ज्यादा मिस्टेक रहती नहीं है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आ जाएगा, आपको क्या करना रहेगा, छंद पहचानने के लिए आ जाएगा। आपको सेंटेंस दिया रहेगा, आप पेंसिल से तुरंत ही वहां पर मात्रा लिख देना, कितनी मात्रा है, यानी कि क को क्या बोला जाता है, लघु बोला जाता है, गुरु गुरु बोला जाता है, वो सब आप मात्रा करना और तुरंत यहाँ पर छंद का नाम एक बॉक्स में लिखेंगे तो एक नंबर मिलेगा। यहाँ पर छंद की कितनी मात्राएं है वो लिखेंगे तो आपको दो नंबर, यानी कि दो नंबर के लिए क्वेश्चन है नौ नंबर का। उसके बाद ये दसवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। ये तो आप पांचवी से सीखते आ गए हो, काल परिवर्तन का नया कुछ है नहीं, तो काल परिवर्तन के लिए भी दो नंबर का प्रश्न आ जाएगा। ये भी आपको सूचना के अनुसार, यानी कि आपको दिया जाएगा, उस अनुसार आपको सेंटेंस में चेंज करना रहेगा। उसके बाद ग्यारहवां क्वेश्चन है, वाक्य के वाक्य भेद तथा परिवर्तन कीजिए, यानी कि निम्नलिखित वाक्य रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए, यानी कि भेद कौन सा है वो पहचान कर उस ये नाम लिख देना है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिख देना है, यानी कि वो किस टाइप का वाक्य है, निषेधार्थ वाक्य है इसमें या सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, वो वाक्य का प्रकार आपको बताना रहेगा एक नंबर के लिए। दूसरा प्रश्न आ जाएगा, वाक्य के अर्थ के आधार पर, यानी कि रचना के आधार पर अलग प्रकार है, अर्थ के आधार पर अलग प्रकार है, यह सब आपको क्या करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ अगर ये आप 11 प्रश्न आपको परीक्षा में आ जाएंगे और प्रश्न रहेंगे 14 नंबर के, नौवां प्रश्न दो नंबर का रहेगा, दसवां दो नंबर का रहेगा, ग्यारहवां दो नंबर का रहेगा, यानी कि 10, 10, 11, यानी कि ये 11 नंबर का रहेगा, 12, 13, 14, यानी कि ये दो दो नंबर के 9 से 11 तक रहेंगे, ये दो दो नंबर के क्वेश्चन, बाकी के सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के लिए रहेंगे। तो आप अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर ही डिपेंड है, मैथ्स की तरह आपको इसमें नंबर मिल जाते हैं। अगर आप देखे जाएंगे तो मैंने मेरे स्कूल में, जहाँ पर मैं गोरेगांव पहाड़ी में पढ़ाती हूँ, वहाँ पर बच्चों से मैंने एक फाइल बना कर लिया है, उसमें सारे ग्रामर के पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर जो कर रही हूँ, वहाँ पर ये बच्चे का फाइल है, यानी कि एक स्कूल की मेरी लड़की है, उसका ये फाइल बनाया हुआ है, उसने अभी बनाया है, जैसे आप लोग वर्कशीट सॉल्व करते थे उसी टाइप से हम लोगों ने वर्कशीट के बाद ये फाइल बनाकर बच्चों से लिया है। उसमें सबसे पहले उसने ये संविधान लिखा है, ये तो ऐसे हमने बोला है, ये सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन शुरुआत कैसे करें तो हम लोग प्रार्थना प्रतिज्ञा कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो यहाँ पर संविधान उसने लिखा है। दूसरा उन्होंने मुहावरे लिखे हैं, उसके बाद विज्ञापन लेखन, अव्यय, अलंकार, मुहावरे, विराम चिन्ह, कारक, उसके बाद वाक्य शुद्ध करके लिखिए, छंद, छंद के बाद दूसरा दिया है समास लिखिए, संधि, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, ये सारे ग्रामर के 11 टॉपिक हम लोगों ने लिखे हैं। वहां पर अगर अव्यय लिखा जाएगा तो पूरे दो पेज में उसने अव्यय के बहुत सारे सेंटेंस लिखे हैं। अव्यय किसे कहा जाता है इसका विस्तारित रूप से उन्होंने फाइल में लिखा गया है, यानी कि वो आपको एग्जाम के समय ऐसे अगर आप लोगों ने एक साथ में लिखा रहेगा तो आपको लिखने पढ़कर तुरंत एग्जाम के दिन, यानी कि रिवीजन के लिए वो अच्छा हो जाएगा। नहीं तो फिर ढूंढना पड़ेगा कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक आने वाले, यहाँ से आपकी शुरुआत हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट लो और आप भी इसी तरफ से फाइल में बना लो, नहीं तो आप नोटबुक में भी ये लिख कर रखेंगे तो भी आपके लिए बहुत काम के लिए आ जाएगा, यानी कि 14 नंबर के प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मैथ्स की तरह रोज सॉल्व करते बैठना है। आज अव्यय पढ़ाया गया है तो अव्यय के मैं कम से कम 10 शब्द ले लूंगा और 10 वाक्य बना दूंगा। खाली आप लोग करना चाहेंगे तो जरूर हर का नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। खाली रूल आपको याद में रखना है और उस हिसाब से आपको सेंटेंस बनाने हैं। और आपकी तो मदर टंग है हिंदी, इसमें तो आपको ज्यादा दिक्कत होती नहीं है कि मैं कैसे सेंटेंस बनाऊँ, किस टाइप से रूल याद में रखो, ये आसानी से आपके याद में रह जाता है। तो इस टाइप का आपको फाइल बना लेंगे और उसमें से सारे टॉपिक के ग्रामर के पॉइंट के उदाहरण लिखते रहेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोगों ने ये भी किया है कि जो पोएम का एप्रिसिएशन है हमने इसके पहले लिया था वो भी उन्होंने फाइल में लगा दिया है। देखो यहाँ पर उर्चर हालेल पर उनका लिखा है, उसके बाद
चिंता पोयम है, गजले हैं, ब्रजवासी हैं, ये सारी पोयम हमारी जो है 10th में आने वाली, वो सारा पोयम का अप्रिशियंस भी बच्चों ने क्या किया है उसी फाइल में रखा है, क्योंकि ये नंबर आपको परीक्षा में देने वाले हैं। 14 नंबर ग्रामर का है और 8 नंबर आप किसका है, इसका है, अप्रिशियंस का है। तो ये अगर अच्छे से आप करेंगे तो जरूर आपको नंबर मिल सकते हैं। और जो भी बचा हुआ है भाषा बिंदु, आपके हर लेसन में भाषा बिंदु और ग्रामर सेशन दिया हुआ है, वो आप भाषा बिंदु का पूरे के पूरे आप निबंध बुक में लिखेंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। आज अगर हम लोग देखेंगे तो हमें क्या देखना है, आज मुहावरे देखने हैं और छंद के प्रकार देखने हैं। अगर किताब में अगर देखा जाएगा तो मुहावरों के लिए बहुत सारे हर लेसन में अगर आप लोग देखेंगे, शब्दार्थ जैसे लिखते हो 20-20 शब्दार्थ या 25-25 शब्दार्थ लिखे हैं, उसके नीचे ही मुहावरे बहुत दिए गए हैं। यानी कि कम से कम मुझे लगता है पूरे डाइजेस्ट में 30 से 40 मुहावरे हैं, ज्यादा मुहावरे है ही नहीं। तो वही आप लोग अगर एक साथ इकट्ठा प्रोजेक्ट के फाइल में बनाकर रखोगे तो आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा। खाली मुहावरे पढ़ना है, उसका अर्थ पढ़ना है, वही याद करके रख देना है आपको, और आपको सेंटेंस बना याद करने की जरूरत है नहीं। तो मेरे बच्चों ने इस टाइप से मुहावरे अपने फाइल में जो बनाए हैं उसका पीडीएफ मैं सेंड कर रही हूँ। यहाँ पर देखो मुहावरे ऐसे लिखा है, उसके नीचे उन्होंने मुहावरे लिखे हैं और उनका अर्थ भी लिखा है, जैसे कि पसीना पसीना हो जाना, बहुत परिश्रम करना, बहुत चक्का रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, ये मोस्ट ऑफ यही मुहावरे आ जाते हैं। यानी कि किताब से बाहर एक भी मुहावरा आता नहीं है। सिहर उठना, कांप जाना, उड़न छू हो जाना, भाग जाना, उठ जाना मतलब गायब होना, उसके बाद राहत आकना, इंतजार करना, आंख मिलाकर खड़े रहना, सामना करना, इस प्रकार वाक्यों के अर्थ लिख देना। और वाक्य खुद अपने मन से सेंटेंस बना सकते हो, उसको याद करने की जरूरत है नहीं। तो कम से कम आप मुहावरा और उसका अर्थ इतना भी याद करोगे, कम से कम 2 घंटे भी ज्यादा हो जाएंगे 30 या 40 मुहावरे करने के लिए। आप, मैं चाहती हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट लो और आपके नोटबुक में ये लिखेंगे तो आपको ये काम आ जाएगा। यानी कि आपसे 10th के इसका ही है, 10th की किताब में से ही ये सारा लिया गया है। उसके बाद ये देखो 8वां मुहावरा है, कर्तव्य विमुख हो जाना, दुविधा में पड़ना, अकल गुम हो जाना, बुद्धि काम न करना, कसर न छोड़ना, प्रयत्न करते रहना, उसके बाद कान न देना, अनसुना करना, चेहरा तमतमा उठना, अत्यंत क्रोधित होना, तरस खाना, दया करना, इस प्रकार से आप अगर करेंगे मुहावरे लिखेंगे और उसका अर्थ याद करेंगे तो आपको जरूर 2 के 1 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर के लिए ही प्रश्न आने वाला है। उसके बाद देखिए नींव रखना का लिखा है, स्थापना करना, उसके बाद काटों के ताज पहनना, यानी कि कठिन परिस्थितियां, कठिन जिम्मेदारियों का सामना करना, अपने पैरों पर खड़ा हो जाना, स्वावलंबी हो जाना, संकट से 2 हाथ करना, मुश्किल समय में काम करना, पत्थर की लकीर होना, यानी कि पक्की बात हो जाना, टस से मस न होना, एक ही बात के पीछे पढ़ते रहना। यानी कि इस प्रकार से मुहावरों का अर्थ और उसका सेंटेंस लिखेंगे तो आपको जरूर नंबर मिल जाएंगे। चुप्पी में वन हो जाना, न बोलना, यानी कि आतंकवादी के हाथ में गन देखकर तीर्थयात्री चुप्पी में बंद हो गए, यानी कि इसमें ज्यादातर चुप्पी में बंद हो जाना, जाना कि जाना वैसे लिखने की आपको जरूरत नहीं, क्रियापद में मोस्ट ऑफ चेंज किया जाता है। बहुत सारे वाक्य में बच्चों बना देते हैं मुहावरा और वाक्य का बाद में क्रियापद जाना का जाना ही छोड़ देते हैं। अगर सेंटेंस में बदल हो जाता है तो आपको मोस्ट ऑफ बदल करना है, बदल नहीं हो जाता है वैसे आप रख सकते हैं। अपनी राह चलना, अपने विचारों के अनुसार काम करना, उसके बाद डंडा देना है और वाक्य में प्रयोग करने के लिए वाक्य इस प्रकार से लिखोगे, सेठ जी के समझाने के बावजूद भी उनका लड़का काला बाजारी का धंधा करने की अपनी राह पर भी चल रहा था। यानी कि इस प्रकार का आप सेंटेंस बना सकते हैं। मुहावरे के लिए मोस्ट ऑफ इसी पैटर्न का पेपर 80 नंबर के पेपर में आपका बोर्ड का आने वाला है। मोस्ट ऑफ आपको मुहावरों के लिए 2 मुहावरे दिए जाएंगे, उसमें से 1 वाक्य का अर्थ बताना है, 1 मुहावरे का और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न दिया जाता है कि ऑलरेडी 2 मुहावरे दिए जाएंगे, नीचे 2 सेंटेंस भी दिए जाएंगे, आपको क्या करना रहेगा, पहले सेंटेंस में जो मुहावरा है वो निकालना है और उस जगह पर दूसरा मुहावरा डालना है। जैसे समानार्थी शब्द हम लोग ढूंढते हैं उसी टाइप से करना है। ये टाइप का भी प्रश्न आपको घुमा फिरा कर आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ यही प्रकार आ जाता है ज्यादातर कि मुहावरे दिए जाते हैं उनका अर्थ आपको बताकर वाक्य में प्रयोग करने के लिए। लेकिन ये भी प्रकार आप याद में रख सकते हैं। इस टाइप का मुहावरों का प्रश्न 1 नंबर का आपको आ जाएगा परीक्षा में। मैं चाहती हूँ कि आपको 1 में से 1 नंबर मिलना ही चाहिए। अगर आप देखेंगे सोमवार का इतना बड़ा क्वेश्चन लिखेंगे तब आपको कहीं जाकर 1 नंबर मिल जाता है।
दो नंबर मिल जाते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन यहाँ पर एक खाली सेंटेंस लिखेंगे, एक अर्थ लिखेंगे, 2 मिनट का भी काम नहीं है, यहाँ पर तुरंत आपको नंबर मिल जाता है। जिसका भी ग्रामर सेशन अच्छा हो जाता है, टीचर को पता चलता है, जो भी पेपर करेक्शन करते हैं उनको पता चलता है कि सच में इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है, किसने इतना अच्छा ग्रामर सेशन किया है, तो आगे का जो 5वां नंबर का 5वां विभाग है वो आप आसानी से करोगे। यानी कि उनको अंदाजा लग जाता है कि बच्चा इतना होशियार है क्योंकि उसका ग्रामर ही इतना अच्छा है। और ग्रामर आपका मुझे लगता है छोटी कक्षा से ही स्टार्ट हो गया है, इसमें कई नए टॉपिक जुड़ गए हैं, और वो भी जो नए टॉपिक है वो 9th से जुड़ गए हैं, ना कि 10th में पूरा ग्रामर सेशन आ गया है। तो आपको जरा भी डरने की जरूरत है नहीं कि मुझे नंबर कैसे मिलेंगे, 14 में से 14 नंबर आपको जरूर मिलने चाहिए। और यहाँ पर देखो छंद आज हम लोग देखने वाले हैं, उसमें से अगर छंद के बारे में अगर देखा जाएगा तो आपको इसमें छंद के बारे में भी 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो जो सबसे पहले छंद के प्रकार आपको अगर देखेंगे तो छंद के प्रकार 3 है, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्त छंद, ये प्रमुख 3 प्रकार है। 3 प्रकार में से अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर सममात्रिक छंद यही प्रकार आपको ज्यादातर परीक्षा में यानी कि आपको आने वाला है। तो यहाँ पर मात्रिक छंद के फिर से 3 प्रकार आ जाते हैं, सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और दूसरा है विषम मात्रिक छंद। अगर देखा जाएगा तो मात्रिक छंद में जो सममात्रिक छंद है उसके ये कम से कम 4 प्रकार है, लेकिन 4 प्रकार में से आपको 10वीं में खाली चौपा ही एक ही आपको प्रकार आने वाला है। और अर्ध सममात्रिक छंद में से दोहा और सरोता ये 3 ये कुल मिलाकर ये 3 ही आपको करने हैं, और 3 छंद करने के बाद आपको 2 नंबर मिल जाएंगे जरूर। आपको खाली इसका क्या करना है, रूल याद में रखना है, इस छंद में क्या दिया है, उस छंद में क्या दिया है। आपको लक्षण लिखने के लिए मोस्ट ऑफ आता नहीं है, मोस्ट ऑफ आपको सेंटेंस दिया जाएगा उसकी मात्राएं आपको निकालनी है और वो छंद का नाम लिख देना है, इतना ही काम मोस्ट ऑफ आपको परीक्षा में आ जाता है। उसके लक्षण आपको अगर याद रहेंगे तो तीनों के तीनों आपको याद करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप ये भी मुझे लगता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको अच्छा यानी कि चौपाई का रूल क्या है, दोहे का रूल क्या है वो अच्छे से याद हो जाएगा। इसका भी मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लेना और नोटबुक में बाद में नोट डाउन करना। तो यहाँ पर भी देखिए अगर चौपाई देखा जाएगा तो चौपाई में 4 चरण रहते हैं, कभी कभी 2 चरण भी दिया जाता है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, उसकी 16 मात्राएं याद नहीं रखनी है। यानी कि चौपाई है तो उसके लक्षण याद रखेंगे कि 4 चरण रहते हैं, 4 पंक्तियां रहती है और मात्राएं कितनी रहती है, 16 रहती है हर चरण की, यानी कि हर पद की मात्राएं 16 ही रहती है। यानी कि सेम पहली पंक्ति की भी 16 रहेंगी, दूसरी पंक्ति की भी 16 मात्राएं रहेगी, तीसरी की भी 16 रहेगी और चौथी की भी 16 ही मात्राएं रहेंगे। तो आपको ये आसान है चौपाई याद रखने के लिए। उसके बाद दोहा अगर देखा जाएगा तो उसके भी 4 चरण रहते हैं, उसमें याद रखना है आपको पहली और तीसरी पंक्ति है उसकी 13 मात्राएं रहती है और दूसरी और चौथी जो है उसकी 11 मात्राएं रहती है। तो ये आपको ध्यान में रख देना है, यानी कि ये भी आपको याद कर देना है कि दोहा है उसके 4 चरण है, उसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13 मात्राएं रहती है और दूसरी और चौथी पंक्ति में कितनी मात्राएं रहती है, 11 मात्राएं रहती है। तो आपको दोहा याद में अच्छे से रख देना है। दोहा अगर दोहा चौपाई तो बिल्कुल अलग है, 16 मात्रा खाली याद रखनी है। दोहा अगर याद में रख दिया तो उसका बराबर उल्टा करना है सरोटा में, यानी कि वही लक्षण रहेंगे, खाली उल्टा करना है। उल्टा करना मतलब क्या, मात्राएं ऊपर नीचे हो गई है। यहाँ पर सरोटा में भी 4 चरण ही होते हैं और उसमें पहली और तीसरी इसमें मात्राएं खाली 11 हो गई है और दूसरे और चौथी चरण में मात्राएं 13 हो गई, यानी कि उसका उल्टा हो गया। मैंने बताया दोहे का उल्टा सरोटा है, आपको ये मात्राएं खाली ऊपर नीचे हो गई है तो वो आपको याद में रख देना है। आप पेंसिल हाथ में लेकर ही रहोगे बोर्ड की परीक्षा में, पेंसिल आपके पास रहेगी तो आपको तुरंत सेंटेंस दिखाई देता है। तो पहली और क्या करना है, तीसरी, ऐसे 2 लाइन का अगर करेंगे, पहली और दूसरी लाइन का भी करेंगे तो आप तुरंत पहचानोगे कि ये कौन सा छंद है। यानी कि मात्राएं देने के लिए आना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही आज हम लोग सीखने वाले हैं, मात्राएं किस टाइप से दी जाती है। मात्रा एक बार आप सीख गए देना कैसी है तो आपको छंद पहचानने के लिए ज्यादा कठिन कुछ है नहीं। खाली याद रखोगे कि मात्रिक छंद के 3 प्रकार है, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषममात्रिक छंद। लेकिन हम लोगों को पढ़ने के लिए खाली 2 ही है, सममात्रिक छंद में से एक ही है चौपाई करना है और अर्ध सममात्रिक छंद में से आपको दोहा और सरोटा ये 2 ही करने हैं, यानी कि 3 प्रकार केवल आपको करने हैं 2 नंबर के लिए। अगर आप देखेंगे छंद के बारे में तो छंद किसे कहते हैं, छंद के बारे में अगर अगर आप लोग ये करेंगे तो अगर देखा जाएगा तो जिस पद्य रचना में अक्षरों की संख्या तथा मात्राओं की गणना आदि विशेष नियमों के अनुसार यति गति आदि नियमित अनुसार
जो लगा जाता है उसे छंद कहते हैं, यानी कि पंक्ति अगर देखी जाएगी तो वो लयबद्ध रहती है, उसमें गति रहती है, यानी कि गति किसे कहते हैं, लय किसे कहते हैं, ये भी आज हम लोग विस्तारित रूप से देखने वाले। अगर छंद के अंग देखे जाएंगे तो 7 अंग हैं, उसमें से अगर देखा जाएगा तो पहला ही पद है या चरण है। पद मतलब पंक्तियाँ, जो भी आप लोगों को पंक्ति दी जाएगी उस पंक्ति को चरण कहते हैं। पहली पंक्ति मैंने बताया, पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति, उसके बाद दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति, इनकी मात्राएं गिनना है। और उस हिसाब से आपको मात्रा निकालने के बाद अगर 11 11 और 11 पार मात्राएं पहली इसमें रहेगी तो दूसरी में कितने रहेगी, तीसरी 13 रहेगी, चौथी तीसरी लाइन में 11 मात्राएं रहेगी। यानी कि मात्राएं अगर आपको देना आ गया तो आप उसको आसानी से समझ सकते हो। और बीच में देखो कभी कभी क्या रहता है, दो लाइन में ही सेंटेंस कंप्लीट किया जाता है, यानी कि दो लाइन में ही चार चरण रहते, चार पद रहते, तो बीच में एक इन्वर्टेड कॉमा दिया जाता है। लेकिन आप लोगों को लगता है ये तो दो ही पंक्ति दी है, लेकिन दो पंक्तियों में बीच में इन्वर्टेड कॉमा रहेगा या बीच में एक डंडा रहेगा, तो वो दो पंक्ति एक में ही रहती है, यानी कि चार पंक्ति ऑलरेडी दी रहती है। लेकिन आप क्या करते हो, दो ही पंक्तियों में पूरा चार पंक्तियां दिया है, आपको लगता है दो ही पंक्तियां, पूरा उसमें से मात्राएं देना शुरू कर देते हो, फिर मात्राएं ज्यादा हो जाती है, फिर समझ नहीं पाते हो कि इसमें 11 मात्राएं तो है ही नहीं, क्योंकि पूरा टोटल आप लोगों ने उसमें किया है दोनों लाइन का। आपको वो देखना है, पहले पेपर मिलते ही पेपर अच्छे से पढ़ना है, वो लाइन अच्छे से पढ़नी है। एक के नीचे एक लाइन रहेगी तो बहुत बेटर है आपको वो मात्राएं देने के लिए। अगर एक के नीचे एक लाइन नहीं रहेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो इस प्रकार से आपको मात्राएं देनी रहेगी। मोस्ट ऑफ आप पहली और दूसरी दो पंक्तियों की भी मात्राएं देंगे या पहली और तीसरी पंक्ति की भी मात्रा देंगे तो आप तुरंत पहचानोगे कि ये किस प्रकार का छंद है। और उसमें कुछ भी कठिन नहीं है, खाली लघु गुरु किसे कहते हैं तो अगर आपको पता चल गया तो आप आसानी से वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर पहला पद या चरण हम लोगों ने छंद के अंगों में से पहला देख लिया है, चरण मतलब क्या रहती है, पंक्तियां रहती है, तो आपको जरा भी डरने की बात नहीं है। पंक्ति मतलब पोयम की जैसे लाइन रहती है उसी टाइप से चरण रहते हैं। उसके बाद दूसरा कहा जाता है मात्रा या वर्ण। वर्ण तो आप जानते हैं, स्वर और जो हमारे व्यंजन है उसे ही वर्ण कहा जाता है। उन वर्णों को ही बड़ी मात्रा छोटी मात्रा ई की उसको ही मात्रा कहा जाता है। यानी कि आप लोग अगर देते समय ओ की मात्रा बड़ी ई की मात्रा आपको ये अच्छे से पता है। वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन, जो कखा रहता है वो व्यंजन है सारे, और अ आई जो है वो सारे क्या है, स्वर है। इन स्वर और व्यंजनों के ऊपर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी मात्राएं दे सकते हैं। यानी कि इस हिसाब से आपको क्या करना रहेगा, छंद के विभिन्न अंगों को पहले पहचानना है, उस हिसाब से आपको उसका ये करना पड़ेगा, मात्राएं देनी पड़ेगी। उसके बाद संख्या तथा क्रम, यानी कि मात्राओं की संख्या कितनी है, लघु गुरु आपको निकाल कर ही उसको क्या करना है, क्रमबद्ध करना है। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उसमें दिखा सकते हैं कि इतनी मात्राएं है और ये लघु है तो इसको एक नंबर देना है, ये गुरु है तो उसको दो नंबर देना है। बाद में मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से मात्राएं देनी है। पहले आप 7 जो अंग है हमारे इसके छंद के वो समझिए और बाद में आपको मैं मात्राएं कैसे लगानी है वो बता देती हूँ। उसके बाद देखो गण किसे कहते हैं, तो यानी कि जो भी मात्राओं के अक्षरों की संख्या तथा हो जाती है उसको क्या किया जाता है, गण के रूप में किया जाता है। यानी कि 3 अक्षर रहेंगे, अगर 3 शब्द दिए रहेंगे तो उनको, यानी कि 2 ही शब्द है, हम खेल रहे हैं तो हम 2 शब्द हो गए और खेल एक लेना पड़ेगा तो ही 3 बन जाएंगे। ये 3 का जो समूह रहता है उसे गण कहा जाता है। यानी कि सेंटेंस में अगर एक शब्द में दो ही वर्ण है, दो ही व्यंजन है, तो आपको तीसरा लेने के लिए दूसरे सेंटेंस का लेकर उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ये तब वो गण बन जाएगा। यानी कि वैसे ही 3-3 का ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा और उसको बाद में आपको क्या करना रहेगा, इस प्रकार से लघु गुरु जो भी आप मात्राएं देंगे इस प्रकार से आप चिन्ह देंगे उसके लिए, और उसके बाद आप पहचानोगे य गण है, म गण है, त गण है। यानी कि ये टेबल का भी आप अच्छे से अगर स्क्रीनशॉट ले लोगे और आप नोटबुक में लिखोगे तो आपको ये पता रहेगा। और ये आपको बाएं हाथ ही करना है, ये कौन सा गण है, य गण में आता है, म गण में आता है। बोर्ड की एग्जाम में तो हम बोल नहीं सकते हैं, कभी कभी गण भी पूछा जा सकता है। मोस्ट ऑफ तो आपको छंद और उसकी मात्रा ही बताया जाएगा, लेकिन 99% यही पूछा जाएगा, लेकिन 1% हम बोल नहीं सकते हैं कि कभी कभी गण भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पेपर टाइप हो जाएगा उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि आप अगर देखेंगे तो बोर्ड की एग्जाम है तो आप पूरा यानी कि बेस से लेकर आप पढ़ाई करते हो, ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ाई करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। यानी कि ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि गण किसे कहते हैं और गण के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा बाय हार्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही लास्ट के अगर आप लोगों ने गण देना शुरू कर दिया तो आप पहचानोगे कि लास्ट के जो पंक्ति रहती है उसमें 3 का जो ग्रुप बनाओगे उसमें इस प्रकार की जो साइन आ जाएगी उस साइन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार का
गण है और उस हिसाब से आपको वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक शॉर्टकट में ये शब्द दिया है यमा ताराज भानस लगा, यानी कि ये शब्द याद में रखोगे तो यह मतलब यगन है, माँ माँ मतलब मगन है, तम मतलब तगन है, रा 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 मतलब रगन है, उसके बाद ज मतलब जगन है, भ इसका अर्थ दिया है भगन, न इसका अर्थ दिया है नगन, स इसका अर्थ दिया है सगन, यानी कि लगा ये ऐसे ही दिया है आपको बोलने के लिए। यानी कि इस शब्द का वैसे अर्थ अगर देखा जाएगा तो ये शॉर्टकट में शब्द बनाया गया है, इस शब्द का आप क्या करेंगे इस प्रकार से गण के लिए याद में रखने के लिए दिया है। उसके बाद बताया जाता है कि यति, यति यति यानी कि छंद शास्त्र के अनुसार अर्थ यति का अर्थ है विराम, यानी कि अब मैंने बता दिया कि विराम कब रहता है वो आपको सेंटेंस में देखना है, यानी कि दो ही सेंटेंस दिए जाएंगे लेकिन बीच में अगर एक विराम रहेगा तो वहां पर एक दो सेंटेंस में एक रहेगा, यानी कि वो आपको देखना पड़ेगा कि वो सेंटेंस किस टाइप से है और वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यति मतलब क्या है विराम, विराम दिया जाता है, यानी कि हम लोग बोलते समय कविता अगर पढ़ेंगे पद पढ़ेंगे तो बीच में थोड़ा रुकते हैं तो वहां पर विराम आ जाता है, ये याद में रखो। उसके बाद गति अगर देखा जाएगा, गति मतलब क्या रहता है, सुर रहता है, लय रहता है, उसे गति कहा जाता है, यानी कि हम लोग जो भी पद पढ़ते हैं वो अगर सुर में पढ़ेंगे तो उसे ये कहते हैं कि गति कहते हैं। ये प्रमुख अगर देखा जाएगा तो ये प्रमुख छंद के 7 गुण है और उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, परीक्षा में नंबर मिल जाएंगे, अगर किसको क्या बोलते हैं वो पता चलेगा तो आसानी से आपको छंद के नंबर मिल सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप अगर याद में रखेंगे उसकी बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पहचानने के लिए जरा भी कठिन है नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देती हूँ कि मात्राएं कैसी देनी है, अगर मात्राएं देना आप सीख गए तो क्या मुझे लगता है मुश्किल नहीं है कि उसमें आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो ये देखिए, जिसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या नोटबुक रहेगी आपके पास तो नोटबुक में ये क्या कर लो, लिख लो तुरंत फटाफट, तो आपको ये मात्राएं देना आ जाएगा। मात्राएं देना आ जाएगा यानी कि मात्राएं देना आ गया तो छंद के दो नंबर आपको जरूर मिल जाएंगे। सबसे पहले मात्रा लगाने की एक प्रमुखता से 5 नियम है, यानी कि कई नियम भी है इसमें से, खाली आप लोग अगर लघु के लिए अगर देखेंगे तो एल एल की छोटा जो एल रहता है उसको इस प्रकार के साइन दी जाती है लघु शब्द के लिए, मात्रा में लघु में क्या जाता है अ ई ऊ और रु, इस टाइप के जो शब्द रहेंगे वो क्या रहेंगे लघु रहेंगे, और गुरु में एस का साइन दिया जाता है वो 2 नंबर की मात्रा, यानी कि 2 मात्राएं पकड़ी जाती है, लघु में 1 नंबर दिया जाता है 1 मात्रा पकड़ी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर स्वर का हमने ऐसे विभाजन किया है आ ई ऊ ए ओ औ अम आहा, यानी कि इस टाइप से अगर रहेंगे तो वहां पर क्या हो जाता है ये गुरु समझा जाता है। तो यहाँ पर लघु और गुरु आपको ये साइन याद में रखनी है और मात्राएं याद रखनी है, लघु शब्द रहेगा तो 1 नंबर आएगा, गुरु शब्द रहेगा तो वहां पर 2 नंबर आ जाएंगे। लेकिन मात्राएं देते समय अगर आप लोग देखेंगे तो यही स्वर में हम लोगों ने डिवाइड किया है, लेकिन आप क्या करना है 12 कड़ी लिख लेना है पूरी, क का की ये पूरी 12 कड़ी लिख देना है और उसके ऊपर मात्राएं देनी है। उसके ऊपर मात्राएं दे देंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा, जैसे कि क है तो क शब्द कैसे बन जाता है, क प्लस अ क बन जाता है, तो के लिए कौन सी मात्रा आ जाएगी, लघु की मात्रा आ जाएगी। अगर का है, का शब्द कैसे बन जाता है, क धन आ है क्या नहीं, यानी कि तभी का बन जाता है, तो का के लिए गुरु है का, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, एस लिखेंगे और उसको 2 मात्राएं देंगे। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि 12 खड़ी अगर लिखोगे कका के की वाली तो आपको 1 12 खड़ी लिखेंगे तो आपको ये सारे अगर लघु और गुरु समझ में आ जाएगा उसमें आप तुरंत दे सकते हैं, यानी कि सरस और दीर्घ हम लोगों ने यहाँ पर लघु और गुरु यहाँ पर दिखा दिया है लेकिन शब्दों में आपको दिखा देना है, यानी कि यही सर सारे सब जगह पर स्वर ही आएंगे ऐसा नहीं है। अगर ये आ जाते हैं व्यंजन आ जाते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर की दिया है तो की अगर पहला की दिया रहता है तो वो कौन सा आ जाएगा, पहला की मतलब छोटी, वहां पर आप क्या करेंगे लघु करेंगे। अगर दूसरा की आ जाता है तो आप वहां पर क्या करेंगे गुरु करेंगे, यानी कि वो एस की मात्रा देंगे और वहां पर 2 नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद अगर नियम देखे जाएंगे लघु गुरु करते समय तो मोस्ट ऑफ 5 नियम दिए गए हैं, उस 5 नियमों में अगर देखा जाएगा तो कई शब्द ऐसे आ जाते हैं, उनको अगर आप लोग याद में रखोगे प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको आ जाएगा। यहाँ पर फसाना शब्द दिया है तो फ के ऊपर क्या है चंद्रबिंदु है, तो इस प्रकार से शब्द आ जाता है तो आपको तुरंत क्या करना है लघु समझना है और उसको 1 मात्राएं देनी है। स है, स क्या है प्लेन है, यानी कि अ स कैसे बन जाता है, स आधा और अ है क्या नहीं, स धन अ करेंगे तभी वो क्या बन जाता है स बन जाता है, तो स कैसे है लघु है,
ना बता दिया है, तो न और उसमें आ डालेंगे तभी ना बन जाता है, इसलिए वो क्या है, गुरु है। तो इस प्रकार से मात्राएं पहले पेंसिल से देनी है, तो यहाँ पर फसाना यानी कि इसके लिए एक मात्रा, स के लिए एक मात्रा, ना के लिए दो मात्राएं। उसके बाद चंचल, ये शब्द दिया है, छ के ऊपर क्या है, एक अनुस्वार है, एक विसर्ग है, तो इसके लिए उसको यहाँ पर अम दिया है शब्द, ठीक है ना। तो सारे अम वाले जो भी शब्द रहेंगे व्यंजन में भी, वो भी सारे शब्द गुरु बन जाएंगे, तो इसके लिए एस लिख देना है, दो मात्राएं आ जाएगी। उसके बाद च शब्द दिया है, तो च शब्द कैसे बन जाता है, आधा च और उसमें अ डालेंगे तभी वो च बन जाता है, इसलिए वो क्या है, लघु है। उसके बाद ल अगर देखा जाएगा तो ल भी उसी टाइप से है, ल कैसे बन जाता है, आधा ल प्लस अ तब ल बन जाता है, इसीलिए ल भी क्या है, लघु है, तो उसके लिए भी एक मात्रा दोगे। उसके बाद पंडित शब्द दिया है, फिर से प के ऊपर विसर्ग है, तो उसके लिए भी दो मात्रा यानी कि एस लगाओगे। डी दिया है तो उसके ऊपर भी आप लोग क्या करेंगे, लघु लिखेंगे क्योंकि ये छोटी मात्रा है। उसके बाद त लिखेंगे तो त के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, लघु है। उसके बाद विसंति, इसके लिए भी उसी टाइप से आपको ये करना पड़ेगा, यानी कि पहला दिया है भी इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो मात्राएं लगानी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा नियम देखेंगे, प्रात स्वात और प्रसाद, ये तीन शब्द दिए है। प्रात यानी कि यहाँ पर प्रा किया है, अगर प्र रहता है तो लघु बन जाता, लेकिन प्रा है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गुरु समझना रहेगा। और त, त के बाद दो विसर्ग दिए है, विसर्ग आने के कारण सीधे आपको यहाँ पर क्या करना है, गुरु लिख देना है। स्वत, स्वत स्व असर व दोनों जोड़कर आ गए हैं, लेकिन इसको किसी भी प्रकार की बड़ी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या आ की मात्रा है नहीं, इसलिए स्व है, इसलिए एक ही है, यानी कि सर व दोनों भी आधे आधे बने हैं, इसलिए वह लघु बन जाता है, एक ही शब्द बना है, एक ही वर्ण है, इसलिए लघु लिख देना है। अत के पीछे स्वर्ग है, विसर्ग है, इसलिए उसको क्या करना है, आपको ये करना है, दो मात्राएं देनी है, एस लिख देना है। उसके बाद प्रसाद, अभी मैंने बता दिया यहाँ पर प्रात यानी कि अ आ गया है, यानी कि आ की मात्रा यहाँ पर आ गई, इसलिए इसको दो नंबर दिए है, दो मात्रा दिए, लेकिन प्र में ऐसा कुछ नहीं है, तो प्र क्या बन जाता है, लघु बन जाता है। सा यानी कि क्या बन गया है, सा शब्द कैसे बना है, स धन आ, इसलिए उसको गुरु कहा जाता है, इसके लिए उसको एस की मात्रा देनी है, दो मात्रा है, द के लिए एक मात्रा देनी है, यानी कि इस प्रकार से आपको उसको मात्राएं देनी रहेंगी। अगर नियम तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर देखो, नियम तीसरा बहुत अच्छे से याद में रखना है, क्योंकि आप अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले ही बता दिया है, अ क्या है, लघु बन जाता है, यानी कि आप बोलेंगे यहाँ पर फिर एक मात्रा होनी चाहिए, लेकिन ये नियम इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें ये अपवाद तक कई शब्द रहते हैं, वो आपको समझने हैं, उन नियमों को आपको बाय हार्ट करना है। तो यहाँ पर अग्र यानी कि ग्रह का, ग्रह ग्रह का जो उच्चार हो जाता है वो अ के ऊपर आ जाता है, इसलिए क्या है, अग्र लिखते समय हम लोग ग के पहले र बोल जाते हैं, इसलिए हमें क्या, अ जो है वो क्या बन जाता है, गुरु बन जाता है। देखो सब जगह पर जो पहला वाला शब्द है उसमें अगर मात्राएं यानी कि कुछ भी नहीं रहेंगी तो वो सबसे पहले गुरु बन जाता है, आपको याद में रख देना है। वक्र, यहाँ पर भी व सादा है यानी कि वो लघु है, लेकिन क्र का उसके ऊपर भार आने के कारण क्या बन गया है, वो गुरु बन गया है। ये नियम है, ये आपको अच्छे से याद में रख देना है, नहीं तो बोलेंगे नहीं वह तो सादा है, यानी कि अगर यहाँ पर वात शब्द रहता तो वात शब्द अगर रहता तो जरूर आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्र दिया है, इसीलिए वो क्या बन गया है, गुरु बन गया है, वो आपको अच्छे से याद में रख देना है। कर्म, तो यहाँ पर कर्म यानी कि म बोलने से पहले हम लोग र बोल रहे हैं, तो र का भार किसके ऊपर आ रहा है, क के ऊपर आ रहा है, तो हमें क्या करना है, क को ये बनाना है, गुरु बनाना है, और उसको दो मात्राएं देनी है। गुरु शब्द में भी देखो, गुरु यहाँ पर एक एक मात्राएं देने, यानी कि अपवादात्मक शब्द है, यानी कि कई शब्द ऐसे रहते हैं उनको हमें क्या करना है, नियमबद्ध ऐसे याद में रख देना है। यहाँ पर देखो चारों नाम का शब्द दिया है, यहाँ पर भी चाय क्या है, गुरु बन गया है, अगर च रहता तो लघु बन जाता, लेकिन रू का प्रभाव उस दोनों के ऊपर पड़ चुका है, इसलिए दोनों भी क्या बन गए हैं, यहाँ पर दोनों भी गुरु बन गए हैं, दोनों को भी दो दो मात्राएं दी गई है। यहाँ पर रा शब्द दिया है, रा को भी क्या किया है, एक मात्रा है ऑलरेडी दे दिया है। उसके बाद नियम चौथा देखो, श्याम नाम का शब्द लिया है, श्याम यानी कि श और य आधा दिया है, मैंने यहाँ पर स्व स्व शब्द बता दिया था, लेकिन स्व शब्द के लिए हमने एक ही लघु दिया है क्योंकि उसमें गुरु की मात्रा है नहीं, यहाँ पर श्याम यानी कि आ की मात्रा लग चुकी है, इसलिए उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको गुरु करना पड़ेगा, यानी कि ये नियम भी आपको याद रखने हैं। खाली स्वर स्व और दीर्घ करेंगे, लघु गुरु करेंगे और मात्राएं रह करेंगे तो नहीं चलेगा, आपको ये भी याद में रख देना है।
इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगता है छंद में, अगर आप मात्रा देना सीख गए तो समझो कि आपको तीनों के तीनों छंद के प्रकार आ ही गए हैं। उसके बाद कृत्य शब्द में देखो यहाँ पर आधा क्रूर है, अर्थ व्रत और ये भी आधा आधा दिया है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों लघु लिख देने पड़ेंगे। कृष्ण में भी वही हो गया है, क आधा दिया है, श और न भी आधा आधा दिया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कृष्ण लिखते समय वो भी दोनों लघु लघु ही आपको लिखना पड़ेगा। ये आप पांच के चार नियम हो गए हैं, ये पांच के पांच नियम आप अगर अच्छे से याद में रखोगे आपको जरूर आ जाएगा। ये शब्द आप लिख कर रखो क्योंकि अपवादात्मक शब्द है, आपको जब वाक्य बनाना शुरू करोगे तब ये पांचों के पांच नियम आपके याद होने चाहिए। उसके बाद सच्चा, सच्चा शब्द में देखो सा आधा होने के कारण उसका भार किसके ऊपर पड़ जाता है, सके ऊपर पड़ जाता है, इसलिए सच्चा शब्द यानी कि दो च है यहाँ पर, दोनों च आधे आधे दिए है तो दो च का बनकर एक बन जाता है, इसलिए वो गुरु दिया है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप पर फिर बोलेंगे नित्य अर्थ और ये अभी जुड़ गया है, लेकिन ये दो अलग अलग वर्ण है, इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक ही मात्रा देनी पड़ेगी, एक ही यहाँ पर एक ही वर्ण है, एक ही व्यंजन है, सॉरी च च ये एक ही व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पर गुरु बन गया, लेकिन यहाँ पर त और ये दोनों अलग अलग व्यंजन है, इसीलिए उसका एक ही बन जाता है, इसीलिए उसको लघु लघु कहा जाता है। उसके बाद बच्चा शब्द देखेंगे तो चा का प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है ना, इसीलिए इसके नियम कहा जाता है छंद के, तो इसके लिए यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर छंद में यहाँ पर उसके भी दो दो मात्राएं देनी पड़ेगी और आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा और उसकी मात्राएं लिख देनी पड़ेगी। आपको अच्छे से ये साइन याद में रखना है और मात्राएं देना याद में रखना है, तो लघु की साइन है एल की तरह लिख देना है, गुरु की साइन एस लिख देना है, लघु यानी कि एक मात्रा रहती है, गुरु मतलब दो मात्राएं देनी रहती है। या अगर आप पहचान शुरू कर दिए तो आप कोई भी सेंटेंस मिले, कोई भी पद मिले तो आप चुपचाप क्या करना, उसका प्रैक्टिस करते बैठ जाना है कि आपको कितने सारे पोयम है, ब्रिजवासी पोयम है, उसकी दो पंक्तियां लेना, पहचानना इसमें कौन सा छंद रहेगा, वो खुद ही निकालना। अगर इतना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसके छंद के जरूर नंबर मिल जाएंगे। परीक्षा में अगर आप देखेंगे तो आपको मैंने बता दिया है कि आपको तीन ही प्रकार आने वाले हैं परीक्षा में, यहाँ पर भी इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि यहाँ पर लघु गुरु कैसे पहचानना है, उसके लिए उन्होंने बता दिया है। दीर्घ यानी कि वो स्वर किस प्रकार से एस चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आय मतलब क्या है, लघु चिन्ह दिखाई दे रहा है। लघु गुरु के नियम यहाँ पर आपको दिए गए हैं, यानी कि कई कई संयुक्त अक्षर वाले शब्द आ जाते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया भक्त, यहाँ पर भ जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, गुरु बन जाता है, क्योंकि क और त का उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। धर्म तो ध आपका क्या बन जाएगा, गुरु बन जाएगा, और म भी गुरु बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसलिए आपको ये शब्द सत्य इस प्रकार के त और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, लघु बन जाएगा। इस प्रकार से कई शब्द आ जाते हैं, उनको आपको क्या करना है, पहचानना है, नियम की तरह उनको रट करना है, याद करना है। उसमें अगर खाली आप बोलेंगे कि मैं खाली मात्राएं दे दूंगा तो बराबर आ जाएगा, ऐसे नहीं, कई नियम भी है, नियमों के जरिए ही ग्रामर सेशन का पूरा पेपर सॉल्व किया जाता है। अगर यहाँ पर देखा जाएगा दोहा में आपको तीन ही मैंने बता दिया कि छंद के तीन ही मोस्ट ऑफ प्रकार रहते हैं, तो उसमें से हम आज देखने वाले हैं दोहा। दोहा के आपको लक्षण याद में रखने हैं, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, मैंने बता दिया है कि अर्ध सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, विषम मुक्त छंद, मुक्त सममात्रिक छंद, इस प्रकार के तीन प्रकार है, ये हम लोगों ने स्लाइड पर ही देखा था। दोहा के लक्षण आप याद रखोगे कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं, प्रथम और द्वितीय चरण में 13-13 मात्राएं रहती है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं रहती है, ये आपको बाय हार्ट करके रख देना है। जगन रहता है इसमें मोस्ट ऑफ दोहा में, उसमें भी तीन तीन का ग्रुप बनाओगे तो आय ऐसा है, यानी कि इस प्रकार के आय मतलब लघु, एस मतलब गुरु, फिर लघु, यानी कि इस प्रकार से साइन देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोहा है। द्वितीय और चतुर्थ चरण को यानी कि तुक मिल जाता है, तुक मिल जाना मतलब राइमिंग स्केल की तरह उसमें से ये आ जाता है, सेंटेंस आ जाता है, यानी कि शब्द साउंड आ जाता है, इस प्रकार से आपको उसका उत्तर करना है। यहाँ पर उदाहरण मैंने दिए है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, यानी कि यहाँ पर दो लाइन अगर आप करेंगे तो भी आपको आसानी से पता चलेगा कि ये कौन सा प्रकार का छंद है। मैंने बता दिया है कि पहले इसमें पहले चरण में 13 और तृतीय चरण में 13 मात्राएं रहती है। तो अगर श्री देखेंगे तो श्री क्या है, गुरु है, तो इसको दो मात्राएं यानी कि एस का साइन देंगे, गुरु। मैंने ये भी नियम में ये मैंने बता दिया है कि गुरु का उसके ऊपर आधार पड़ रहा है, लेकिन ये स्वयं दोनों भी है, इसलिए दोनों लघु बन जाते हैं। चरण च र न यानी कि च और अ, र और अ, न और न और अ, यानी कि आधा न आधा र आधा च, इससे क्या बन जाता है, व्यंजन बन जाता है।
तो इसके लिए यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर चरण शब्द भी क्या बन गया है, लघु बन गया है। सरोज स के लिए एक मात्रा देनी है, रो के लिए दो मात्राएं, ज के लिए एक मात्रा, रज यानी कि यहाँ पर भी एक एक मात्राएं ऑलरेडी दे चुकी है। तो इस प्रकार से आप अगर ये करेंगे, मात्राएं देना सीख गए तो आपको जरूर उसमें से पहचान आए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि इस प्रकार फिर से उसका टोटल करना और यहाँ पर सामने 13 मात्राएं करके आपको लिख देना है। बोर्ड की परीक्षा में आपको मात्राएं लिखने के लिए आने वाला है और छंद का नाम लिखने के लिए मोस्ट ऑफ आपको आ जाएगा। इसी टाइप से आप अगर उदाहरण करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके नंबर आपको जरूर मिल जाएंगे। तो दोहा को एक ही बात याद रखनी है कि उसमें 13, 13 और 11, 11 मात्राएं रहती है। उसके बाद ये अर्ध सममात्रिक छंद, ये उसके लक्षण याद में रखो, फिर आपको अच्छे से उसके नंबर मिल जाएंगे। और ये क्या है, इसमें 4 चरण होते हैं, ये बात आपको याद में रखनी है। उसके बाद सरोटा आ जाता है, मैंने बता दिया है कि दोहा का बिल्कुल उल्टा क्या है, सोरठा है। तो दोहा सरोटा अगर याद में रखना है तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके ये लक्षण याद में रखोगे। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, दोहा का उल्टा ही क्या है, सरोटा है। इसमें दोहे के द्वितीय चरण में प्रथम चरण और यहाँ पर द्वितीय चरण अगर देखा जाएगा और चतुर्थ चरण, इसमें 11-11 मात्राएं रहती है। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं रहती है, ये आपको अच्छे से याद में रख देना है। यानी कि 11-11 मात्राएं और 13-13 मात्राएं सरोठा में रहती है। इसके भी अगर उदाहरण आप देखेंगे तो इस टाइप के आ जाते हैं, प्रणव पवन कुमार, यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर देखो प्र का लघु किया है, यहाँ पर न के लिए भी लघु, व के लिए भी लघु, के लिए भी यहाँ पर लघु किया है। मैंने नियम में बता दिया था आपके, गुरु कब आ जाता है वो आपको याद में रखना है। इसके पहले का शब्द अगर ये रहेगा, सॉरी गुरु रहेगा, तो ही उसका प्रभाव उस पर पड़ जाता है, तभी वो गुरु बन जाता है, नहीं तो प्लेन वो क्या बन जाएगा, लघु का लघु ही रहेगा, चंद्रबिंदी ऊपर रहेगी तो। यानी कि उसके बाद पवन कुमार, यहाँ पर प के लिए एक मात्रा, व के लिए एक मात्रा, न के लिए एक मात्रा, को के लिए एक मात्रा, यानी कि इस टाइप से आपको मात्राएं देनी रहेंगी। उसके बाद तीसरा प्रकार हमें चौपाई का देखना है। चौपाई में अगर देखे जाएंगे तो यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण रहते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं रहती है, यानी कि चौपाई याद करने के लिए एकदम आसान है। इसमें सारी पंक्तियां जो है वो 16-16 मात्राओं की रहेगी। आपको खाली प्रश्न पढ़ने के बाद आपको पेपर में क्या करना है, इस टाइप से मात्राएं देनी है, और मात्राएं देना सीख गए तो समझो नंबर मिल गया। यहाँ पर बदऊ गुरु पद पद पदुम परागा, यानी कि इस प्रकार सा पद दिया है, इस प्रकार का चरण दिया है। वो चरण कभी कभी 2-2 चरण भी दिए जाते हैं, कभी 4-4 चरण भी दिए जाते हैं। आप केवल पहली या दूसरी भी पंक्ति करेंगे तो भी आपको पता चलेगा, या पहली तीनों पंक्ति आप करेंगे तो भी आपको इसमें पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस टाइप से आपको मात्राएं देनी है। ब के ऊपर गुरु बन गया है, द अगर देखा जाएगा तो लघु है, उनके ऊपर भी लघु किया है, गुरु मैंने शब्द, ये गुरु नाम का जो शब्द है ये बहुत बार आ जाता है, तो आप अच्छे से याद में रखो कि ये दोनों भी क्या करना है, लघु करना है। पद अगर देखा जाएगा तो पद यानी कि प और अ, आधा प और आधा द बन जाएगा, तो ये दोनों भी लघु है। पदुम यानी कि प के लिए एक मात्रा, दो के लिए एक मात्रा, म के लिए भी एक मात्रा रहेगी। परागा यानी कि प के लिए एक मात्रा, राग ये क्या बन गया है, गुरु है, गा भी गुरु है, इसके लिए भी एक मात्रा। फिर गिनती करना, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि जहाँ पर एस का साइन है वहां पर दो मात्रा पकड़ना, यहाँ पर एक ही सिंगल लाइन दिखाई देती है, वहां पर एक मात्रा पकड़ना लघु की साइन, बराबर टोटल 16 मात्राएं आ ही जाती है। दो पंक्तियों में 32 मात्राएं यानी कि 32 मात्राएं आ जाती है, ये आपको याद में रख देना है। यानी कि इस टाइप से अगर आप उस सेंटेंस के, हर सेंटेंस के उदाहरण के साथ में आप अगर बाहट करते रहोगे तो मुझे लगता है इसके नंबर आपको जरूर मिल जाएंगे। आपको खाली केवल मात्राएं देना आना चाहिए तो आप अच्छे से कर सकते हो। इस टाइप के उदाहरण है, इन उदाहरणों का मैं चाहती हूँ कि स्क्रीनशॉट लो और आप इसका प्रैक्टिस करते रहना, बिना देखे मात्राएं देने की कोशिश करना। मात्राएं देने अगर आ गया तो आपको समझो आ गया, इस प्रकार से आपको बोर्ड के पेपर में परीक्षा में प्रश्न आने वाला है। यानी कि निम्नलिखित पद्यांश में मात्राओं की गणना करके छंदों के नाम लिखिए, मात्राओं की गणना करनी है, इस प्रकार का सेंटेंस आ जाता है तो आपको क्या करना है, प्रश्न इस तरह उसका रहेगा। 2 नंबर के लिए प्रश्न है, प्रथम तथा तृतीय चरण की मात्राएं डैश है, तो आपको क्या करना है, प्रथम और तृतीय दोनों चरण की मात्राएं तुरंत लगानी है पेंसिल से,
क दिया है इसको एक की मात्रा, दो र दिया है तो भी इसको एक की मात्रा, यानी कि ऐसे पेंसिल से मात्राएं लिखना और बाद में टोटल करना। और आपको क्या करना है, प्रथम और तृतीय तीन ही चरणों की करना है, सारे चरणों की करते बैठने की जरूरत है नहीं, तीनों ही चरणों की यानी कि प्रथम और तृतीय दोनों ही चरणों की आप मात्राएं करेंगे तो आपको जरूर पता चल जाता है कि ये किस प्रकार का छंद है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर खाली यही लिख देना है कि यह डैश डैश टाइप का छंद है, तो इस यहाँ पर खाली छंद का नाम लिख देना है। और आपको तीन ही छंद है, दोहा सरोठा और तीसरा कौन सा है, दोहा एक है सरोठा एक है और तीसरा चौपाई, यानी कि तीनों के तीनों छंद आप अगर अच्छे से याद में रखेंगे तो तीनों में से कोई ना कोई एक ही छंद आपको जरूर दिया जाएगा। इस टाइप का दूसरा भी प्रश्न आ जाएगा, यानी कि बोर्ड का यही पैटर्न है, इसी टाइप का प्रश्न आ जाएगा। यहाँ पर द्वितीय और चतुर्थ चरण की मात्रा है, आपको देख देना है कि पहला चरण कौन सा है, ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा चरण ये है। तो पहला चरण तुरंत पेंसिल हाथ में उठा लेना और यहाँ पर आप साइन लगाना, एस एस की मात्राएं लगा देना, यानी कि किताब में यानी कि नोटबुक में जहाँ पर आप आंसर पेपर करोगे उसी पर ये सब करना है, ना कि क्वेश्चन पेपर पर करते बैठोगे तो आपको आपके जो भी एग्जामिनर रहेंगे वो आपके ऊपर गुस्सा करेंगे क्योंकि वो कॉपी हो सकती है। क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी करना नहीं, फटाफट ये क्वेश्चन आपके आंसर शीट में लिखोगे और उसके ऊपर पेंसिल से मात्राएं देना शुरू करोगे। मात्राएं जैसे ही देते हो कंप्लीट करके यहाँ पर मात्राएं लिख देना है, छंद का नाम लिख देना है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो और घर पर इसकी प्रैक्टिस करते बैठ जाओ। यहाँ पर दो या तीन सेंटेंस मैंने दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि ये मात्राओं का फिर से अगर अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे, बिना देखे ट्राई करेंगे, पूरे अपने जो 12 कड़ी दी है कका की वाली उसके ऊपर अगर छंद लगाना शुरू करेंगे, मात्राएं देना शुरू करेंगे तो आपको किताब की पंक्तियों में से मुझे लगता है अच्छे से आप उसका मार्किंग कर सकते हैं और उसकी मात्राएं लगाकर गिनती कर सकते हो, यानी कि 11 मात्राएं आ गया है तो कौन सा छंद रहेगा। पहली पंक्ति में अगर 11 मात्राएं है, दूसरी में 13 है तो आपको आराम से पता होना चाहिए कि ये सरोटा है। अगर पहली पंक्ति में 13 चरण है, 13 मात्राएं है, दूसरी पंक्ति में 11 है तो आराम से आपको पहचानने के लिए आना चाहिए कि दोहा है। पूरी टोटल 16 मात्राएं दी है तो 16 मात्राओं में आपको याद में रख देना है कि ये यहाँ पर चौपाई है। इस प्रकार से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो मुझे लगता है आपके आज मुझे लगता है तीनों के तीन नंबर जरूर मिल जाएंगे, मुहावरे का एक नंबर और दूसरे दो नंबर किसके हैं, छंद के। उसके लिए खाली 10 या 15 मिनट दे दोगे तो आप अच्छे से ये पूरा बाय हट करोगे मुझे लगता है। बैठे बैठे कितने लोगों का याद भी हो गया होगा कि चौपाई के लक्षण क्या है, लोहे के लक्षण क्या है, सरोटा के लक्षण क्या है। तो आज आप ये करो, आपके डाइजेस्ट में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। पहले लेसन में देखना, दो अगर दोस्त रहेंगे तो दोनों दोस्त पढ़ाई करते समय क्या करना, पहली इकाई एक नहीं लेना, दूसरी इकाई एक नहीं लेना, पहली इकाई के सेंटेंस पूरे निकाल देना, दूसरी इकाई के दूसरा सेंटेंस निकाल लेगा दोस्त अपना, और ऐसे करके दोनों के सेंटेंस बन जाने के बाद फटाफट मात्राएं एक दूसरे का एक्सटेंशन पेपर करना, उदाहरण लिख देना पहले, और वो पेपर करोगे तो मुझे लगता है बोर्ड के पेपर में मोस्ट ऑफ जो सेंटेंस दिए रहते हैं वही रिपीट रिपीट हो जाते हैं। खाली मात्राएं देना सीखना आपको जरूरी है। मुझे लगता है आप सबको ये मैंने अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे। बच्चों किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है, कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। ऑलरेडी समय ज्यादा हो गया बच्चों, पूछना है किसी को प्रश्न तो पूछो, नहीं तो फिर ये सेशन जो है क्लोज कर देंगे। मुझे लगता है इसमें फिर ज्यादातर बिना प्रैक्टिस के आए थे नहीं, इसलिए जो कि प्रैक्टिस कर। हेलो मिस। हाँ मिस, उप प्रकार मतलब प्रकार लिखने के क्या नहीं है, आलो मतलब ये मूल प्रकार है, उसके उप प्रकार है सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, आया समझ में। और सममात्रिक छंद के फिर से उप प्रकार आ जाते हैं चौपाई और चौपाई एक ही आपको करना है, ये बाकी के रोला गीति का ही आपको करना नहीं है, तो चौपाई ही आप याद में रखोगे। और अर्ध सममात्रिक छंद है उसका उप प्रकार है दोहा, दोहा के ये दोहा और सरोटा ये तो आपको याद में रख देना है। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है, ओके मैडम आप सेशन लीव कीजिए, ऑलरेडी अपना समय 5 मिनट ज्यादा हो गया।
ओके सभी बच्चों को धन्यवाद।